प्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम विनय तिवारी, इंग्लिश लेक्चर। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको पिछले वीडियो में पैसिव वॉइस के कुछ टॉपिक को हमने पढ़ाया था। आज हम तीसरा पार्ट लेके चल रहे हैं, और अगर आपने दो पार्ट नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद तिवारी जी चैनल के यूट्यूब में जाएँ, डिस्क्रिप्शन में देखें और उस पार्ट को भी आप देखें। प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल आप देखिए, हमारे चैनल को देखिए, क्लास मिस ना करें। हम आज नहीं कल जो है आपके बीच में ऑनलाइन भी आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने मित्रों के बीच में, अपने रिलेशन, अपने सगे संबंधियों के बीच में। इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें प्यारे विद्यार्थी। आज हम एक्टिव पैसिव के तीसरे पार्ट को लेकर चल रहे हैं, जो बिल्कुल हमें आपको टफ लगता है, लेकिन आज से अंग्रेजी अब बिल्कुल आपको आसान लगेगी, रटना भूल जाओगे। आप केवल विनय सर के साथ आप जुड़ें और हमारे चैनल से आप जुड़ें, आप अंग्रेजी जो है रटना भूल जाएंगे, आपको यह ग्रामर बिल्कुल जो है आसान लगेगा। ठीक है, आप बिल्कुल जो है आसानी से किसी भी जो है टॉपिक को आप हल कर ले जाओगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम सब आज पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस बनाना। तीसरा पार्ट हम लेके चल रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसका यूज कैसे होता है और इसका हम पैसिव कैसे बनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम सब हिंदी में आज्ञा एवं प्रार्थना सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य के बारे में आपको पता ही है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ या भाव प्रकट करे वह सेंटेंस कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम देखें इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, पहले बताते हैं अबाउट द इंपरेटिव सेंटेंस, व्हाट इज द इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, टेल मी, कोई भी पूछे टेल मी अबाउट व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, तो आप बताइए। इंपरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं कि जब वाक्य से, जब सेंटेंस से हमें आज्ञा मिलता है, आज्ञा एवं आदेश। देखो, आज्ञा एवं आदेश को हम सब हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, आज्ञा एवं आदेश को हम सब अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर। और जब सेंटेंस से हमें क्या मिलता है, जो है सलाह, सलाह को हम सब कहते हैं एडवाइस। ठीक है, सलाह को हम सब क्या कहते हैं, एडवाइस। जब सेंटेंस से प्रार्थना, प्रार्थना को हम सब क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट। प्रार्थना को क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट। और जब सेंटेंस से मनाही, मनाही मतलब कोई चीज मना करना, और सेंटेंस से मनाही को अंग्रेजी में कहते हैं फॉरबिड। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब वाक्य से आज्ञा, सलाह, प्रार्थना और मनाही का भाव व्यक्त होता है, इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में प्यारे विद्यार्थियों, जो सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो हमारा यू होता है, कर्ता हमारा तुम और आप होता है, यह कर्ता तुम और आप प्यारे विद्यार्थियों हमेशा अंडरस्टूड होता है, यह छिपा हुआ होता है। और सेंटेंस का जो प्रारंभ होता है, वह सेंटेंस का प्रारंभ वर्ब से होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्यारे विद्यार्थियों, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जब वाक्य से आज्ञा, आदेश, सलाह, प्रार्थना, मनाही का भाव व्यक्त होता है, इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट यू यानी कर्ता तुम और आप हमेशा अंडरस्टूड यानी छिपा हुआ होता है, और वाक्य का प्रारंभ किससे होता है, वर्ब से होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसी के नियम से हम आज इंपरेटिव सेंटेंस के नियम से हम सब पैसिव पढ़ेंगे, क्योंकि आप सबको पता है पिछले वीडियो में हमने पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स बताए थे, कुछ नियम्स बताए थे, आप उस वीडियो को देखेंगे और जरूर आपको समझ में आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, देखो इस पे पहला रूल्स बनता है, पहला नियम बनता है कि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य से, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य से यानी सेंटेंस से यदि किसका भाव मिलता है, वाक्य से आज्ञा एवं आदेश, किसका भाव मिलता है, आज्ञा एवं आदेश, जिसको हम सब ऑर्डर कहते हैं, आज्ञा एवं आदेश का भाव व्यक्त हो तो, भाव व्यक्त हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य से आज्ञा एवं आदेश का भाव मिलेंगे तो प्यारे विद्यार्थी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल जो है निश्चिंत होकर के सारी चीज सीख जाएंगे। अगर इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य से आज्ञा एवं आदेश का भाव मिलता है तो देखिए इस पे हमारे कुछ फार्मूला बनते हैं। देखो, एक्टिव के सेंटेंस सबसे पहले इस प्रकार के दिए हुए होते हैं। एक्टिव में देखो सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा, लेकिन कब, जब वाक्य से आज्ञा एवं आदेश का भाव मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य का प्रारंभ मेन वर्ब से होता है, इसमें कर्ता तुम और आप छिपा होता है। तो देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा और उसके बाद क्या लगा होगा, ऑब्जेक्ट। और इसी सेंटेंस से हमें आपको किसका भाव मिलेगा बेटा, आज्ञा एवं आदेश का भाव मिलेगा, आज्ञा एवं आदेश का भाव मिलेगा। तो हमें इसका अब क्या बना देना है, हमें इसको पैसिव बनाना है। तो जब पैसिव बनाना है,
तो ध्यान दीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस के वाक से यदि आज्ञा आदेश का भाव मिले तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो है आप लेट का प्रयोग कीजिए। इसमें लेट का प्रयोग कीजिए और लेट का प्रयोग करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट ले आइए और ऑब्जेक्ट के बाद आप बी लगाइए, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इंपरेटिव सेंटेंस हो चाहे पैसिव वाइज के कोई भी नियम हो, पैसिव वाइज में हमेशा वर्ब के आप थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएं और बाई यू लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना होता है तो आप मत लगाइए, ठीक है। इसको बाद देखो हम इसको दूसरे नियम से भी बना सकते हैं। पैसिव में सबसे पहले आप लिखें यू आर, सबसे पहले आप लिखिए यू आर ऑर्डर्ड टू। यू आर ऑर्डर्ड टू लिखने के बाद एक्टिव के पूरे सेंटेंस को आप ज्यों का त्यों आप क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए, मींस ऑब्जेक्ट। अब प्यारे विद्यार्थी इस पे हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में आप देख लीजिए, जैसे हम कह दिया जाए कि ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर यानी दरवाजा खोलो। देखो प्यारे विद्यार्थियों एक्टिव के वाक्य में सबसे पहले वर्ब लगा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है और सेंटेंस से देखिए आप ऑर्डर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप ऑर्डर आपको मिल रहा होगा तो मतलब ओपन द डोर दरवाजा खोलो, कोई आपको आदेश देता है कि आप दरवाजा खोलो, अर्थात यहाँ पर सब्जेक्ट यू क्या हुआ है, अंडरस्टूड मींस छुपा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों जब इसका आप पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में सबसे पहले आप लेट ले आइए, लेट लाए, लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट लाओ, तो ऑब्जेक्ट क्या है देखो द डोर, लेट द डोर। अब लेट द डोर के बाद आपको क्या लगाना है, बी, और बी के बाद ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ओपन, और बाय यू लगाना है तो आप लगा सकते हैं। देखो इसको दूसरे नियम भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यू आर, ठीक है, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद आप क्या लिख दीजिए एक्टिव के वाक्य को लिख दीजिए आप ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा नियम इसमें कहते हैं, दूसरे नियम हम कहते हैं कि देखो इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य से यदि सलाह का भाव मिलता है, सलाह को हम सब अंग्रेजी में कहते हैं एडवाइस। देखो अगर सलाह का भाव मिलता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी बी हैप्पी, ठीक है। लुक एट माई वीडियो, लुक एट माई वीडियो, और रटना भूल जाओगे, हमेशा आपको याद रहेगा। आप देखिए यदि इंपरेटिव के सेंटेंस से सलाह का भाव मिलता है तो आप क्या कीजिए, सलाह का भाव मिलता है तो आपने मॉडल पढ़ा होगा, आपने मॉडल्स पढ़ा होगा, मॉडल्स में आप मॉडल्स नहीं पढ़ा होगा तो हम उस वीडियो को लेकर के आएंगे, उसमें आपको सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। देखिए अगर इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य से सलाह का भाव मिलता है तो देखिए इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा फार्मूला है, देखिए इंपरेटिव के वाक्य से जब सलाह मिलता है तो एक्टिव में देखिए बेटा सबसे पहले एक्टिव के वाक्य में सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होगा, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा। देखो इसी एक्टिव के वाक्य से हमें किसका भाव मिलता है, सलाह का भाव मिलता है, एडवाइस का भाव मिलता है। तो जब देखो इसका हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में आप लेट नहीं लगाना है, इंपरेटिव सेंटेंस के सलाह वाले वाक्य में आपको पैसिव में लेट नहीं लगाना है, पहले आप ऑब्जेक्ट ले आइए, ऑब्जेक्ट लाइए, ऑब्जेक्ट के बाद आपको पता है कि जब सेंटेंस से सलाह मिलता है, सुझाव मिलता है, ठीक है, तो उसमें हम शुड का यूज करते हैं, तो शुड का यूज कीजिए। शुड के बाद आप पैसिव में पता है आपको बी लगाते हैं, शुड भी कर दीजिए, और शुड भी के बाद जो है देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। अब इसको हम दूसरे नियम से भी बना सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो यू आर, आप यहाँ लिखो यू आर एडवाइस्ड, यू आर एडवाइस्ड टू, यू आर एडवाइस टू लिखने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या लिख दीजिए आप जो है ऑब्जेक्ट। देखिए हमारा पैसिव के रूल्स तैयार हैं, अर्थात रटना भूल जाओगे लेकिन बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। जैसे एग्जांपल में हम कह दें, ठीक है, आप एग्जांपल में कहते हो हेल्प दी पुअर यानी गरीबों की मदद करो, तो कोई भी आपको सलाह देता है कि आप गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों का अपमान मत करो, गरीबों को मारो मत, गरीबों को पीटो मत, अर्थात गरीबों का आप क्या कीजिए, मदद कीजिए। तो पैसिव देखो एक्टिव के वाक्य से देखिए आपको सलाह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव पहले आप ऑब्जेक्ट लाइए, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, द पुअर। अब द पुअर लाने के बाद आपको क्या लगाना है, देखो शुड बी, द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएं आप हेल्प्ड। देखो हमने ऑब्जेक्ट लाया, ऑब्जेक्ट के बाद देखो शुड बी लगाया, शुड बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और दूसरे नियम में हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, और उसके बाद एक्टिव के वाक्य उतार दो हेल्प दी पुअर, ठीक है। बाकी जो इसके नियम्स हैं उस नियम्स को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, और प्यारे विद्यार्थियों मुझे ये उम्मीद है, ठीक है, हमें आशा है, आई होप दैट, मुझे आशा है कि मेरा यह जो है वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको समझ में आएगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और आप रटना भूल जाओगे या मेरी पूरी जिम्मेदारी है, मेरी पूरी जो है मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जो है इस अंग्रेजी को जो है बिल्कुल आसानी से आप सीख जाओगे, ठीक है। आप आगे देखते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।